बायोलॉजिकल वेदरिंग जैविक अपक्षय। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन और डीके ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स कॉज्ड बाय केमिकल और फिजिकल एजेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल वेदरिंग या जैविक अपक्षय में होता क्या है कि जो रॉक्स हैं वो टूटने फूटने की जो उनमें प्रक्रिया होती है वो एक तो नेचुरल यानी जिसे हमने मैकेनिकल वेदरिंग में पढ़ा है और दूसरा रासायनिक क्रिया जिसमें कि जो हमारे मिनरल्स हैं वो अपने ओरिजिनल स्टेट से हट जाते हैं, उनका मिला जुला जो तोड़फोड़ है वो हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न उठता है कि ये बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे काम करती है या इसकी अक्रेंस कैसे होती है। पहले ही इसमें जो प्रोसेस है वो है ऑर्गेनिक एक्टिविटी फ्रॉम लीचन एंड एलगे। आपने देखा होगा कि हमारे बरसात के दिनों में चट्टानों पर या घरों में हरी टाइप की एक काई सी जम जाती है। एक तो वो तरीका होता है कि ग्राउंड में या बड़े बड़े जो खुले क्षेत्र हैं उनमें इस प्रक्रिया के द्वारा जो है रॉक्स वो टूटती फूटती रहती है। दूसरा, रॉक डिसइंटीग्रेशन बाय प्लांट ग्रोथ, यानी जब कोई पेड़ जॉइंट्स में जो रॉक्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उनमें उगता है तो उसकी वजह से भी जो रॉक्स हैं वो टूटते हैं। तीसरा, बुरोइंग एंड टनलिंग ऑर्गेनिज्म। कुछ हमारे पास ऐसे जीव जंतु होते हैं जैसे खरगोश है या दूसरे उसेलेट, वो क्या करते हैं भूमि के अंतर्गत एक जिसे कहें अपनी बिल बनाते रहते हैं और उसकी वजह से भी जो चट्टाने हैं टूटती रहती हैं। और चौथी प्रक्रिया है सेक्रेशन ऑफ एसिड्स, यानी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो सेक्रेशंस हैं यानी बॉडी से जो उन्हें विषैले तत्व निकलते हैं उनकी वजह से भी जो है रॉक्स टूटती फूटती रहती है। हम अब नेक्स्ट स्लाइड में इनको डिटेल में देखेंगे। लीचन, एल्गे एंड डिकेइंग प्लांट्स, इनकी वजह से जो चट्टाने हैं वो कैसे टूटती हैं। ऑर्गेनिज्म सच एज लीचन एंड एल्गे ऑफन लिव ऑन बेयर रॉक एंड एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक बाय आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो ये लीचन या एल्गे जो चट्टानों पर जम जाते हैं इनका काम क्या है कि ये जो रॉक्स के अंदर के जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी उनको खींचते हैं। और वो प्रक्रिया अगर हम देखें केमिस्ट्री में इसको आयन एक्सचेंज मेथड से कहा जाता है। आयन एक्सचेंज बेसिकली आपने घरों में भी देखा होगा जो हमारा वाटर प्यूरिफायर होता है उसमें इस तरह के प्रोसेस से हम क्या करते हैं पानी को साफ करते हैं। और सिमिलर जो प्रोसेस है वो हमारी पृथ्वी पर जो रॉक्स हैं उनके ऊपर ये लीचन एल्गे जो है वो काम करते हैं और उसकी वजह से रॉक्स को तोड़ते फोड़ते रहते हैं। दिस बायोकेमिकल वेदरिंग प्रोसेस लीचेस मिनरल्स फ्रॉम द रॉक कॉजिंग इट टू वीकन एंड ब्रेक डाउन। मतलब ये हुआ कि जो रॉक्स ने जो मैंने अभी अभी आपसे बात की कि ये मिनरल जो है वो क्या हो जाते हैं एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं किसके द्वारा, इस लीचन और एल्गे के द्वारा। तो उनकी वजह से कुछ एसिडिक कंपाउंड्स जिसे कहें वो बन जाते हैं और रॉक को वो धीरे धीरे क्या करते हैं कालांतर में वीक करते जाते हैं और धीरे से बाद में जैसे जैसे ये प्रक्रिया 10,000 टाइम्स रिपीट होती है तो रॉक जो है वो हमारी टूटने फूटने लग जाती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में जो तीसरी प्रक्रिया है प्लांट ग्रोथ की वजह से जो चट्टाने हैं वो कैसे टूटती फूटती हैं हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कई बड़ी जो हमारे पीपल के पेड़ हैं या बड़ के पेड़ हैं वो रॉक्स के ज्वाइंट्स यानी उनके दरारों में उगने शुरू हो जाते हैं या कई बार आपने गांव में भी घरों में भी देखा होगा
जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है या छत होती है उसके बीच में कोई गैप होता है, तो वहां पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़ जो है वो उगना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ता है, इसकी जो रूट्स हैं वो भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं, यानी उसकी जड़ें भी बढ़ने लगती हैं, और धीरे धीरे ये जड़ें, बढ़ी हुई जड़ें, जो हमारे क्रैक्स होते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं, उन पर प्रेशर डालना शुरू करती हैं, और वो प्रेशर जो उन रॉक्स को तोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। जब इस तरह से कोई रॉक टूटती फूटती है, तो हम उसे जो वेदरिंग अपक्षय है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपका प्लांट ग्रोथ की वजह से। ये एक और एग्जाम्पल है प्लांट रूट का। आप देखो, ये रॉक्स हैं, यानी रॉक के बीच में एक दरार है, तो इसमें ये जो पेड़ है ये क्या है, उग गया है, और धीरे धीरे इस पेड़ के जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, ये रॉक्स क्या हो रही है, फ्रैक्चर हो रही है, यानी टूट फूट रही है। एक और एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल वेदरिंग का, जो मैंने अभी आपके साथ प्लांट ग्रोथ का जो डिस्कस किया था। देखो, एक पेनरोसा पाइन ट्री, अगर आपने देखा हो पहाड़ों पर, एक कभी गए हो तो वहां पाइन के ट्री होते हैं। इस पाइन के ट्री ने कैसे जो है इस रॉक के अंदर एंट्री ले ली है, और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी जो रूट्स हैं, वो जड़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं, तो रॉक्स जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट फूट रहा है। दूसरी जो स्लाइड है, दूसरा जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें ये छोटे छोटे आपको बिल नजर आ रहे हैं। ये बिल और किसी की वजह से नहीं, ये जो हमारे बिल वाले जो जंतु हैं, यानी खरगोश है, चूहे हैं, उन्होंने इस रॉक में क्या किया है, बिल बना दिए हैं। धीरे धीरे ये जो सरफेस है वो वीक होता जाएगा, और इस तरह से जो रॉक्स हैं वो क्या होती जाएंगी, वो डिसइंटीग्रेटेड होती जाएंगी। ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी, बुरोइंग, टनलिंग एंड एसिड सीक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म आर एन अदर फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग दैट केमिकली और मैकेनिकली कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेदरिंग। यानी मैंने अभी जो पिछली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया था कि बुरोइंग, टनलिंग एंड एसिडिक सीक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो बिल बनाने वाले जंतु हैं, या कुछ ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं, एसिड सीक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म, यानी उनकी जो बॉडी है, जब उनके जो विषैले तत्व बाहर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो कुछ एसिड्स का निर्माण करते हैं। जैसे आप इस चित्र में देखें, तो ये आपको जो है स्नेल्स, यानी शंख आपने देखा होगा, तो इनके अंदर जो घोंघा जिसे हम कहते हैं वो रहते हैं, और वो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, जो विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकालते रहते हैं, और इन विषैले पदार्थों की वजह से जो रॉक हैं वो क्या करती हैं, वो टूटती फूटती रहती हैं। इसी तरह के और सिमिलर एग्जांपल हैं, जैसे स्मॉल एनिमल्स, वॉर्म्स, टर्माइट्स एंड अदर इंसेक्ट, यानी आपने देखा होगा दीमक होती है, फिर आपने बरसात के दिनों में जिसे कहें ये अर्थ वॉर्म आ जाते हैं, या कुछ और ऐसे ही जो छोटे माइक्रो इंसेक्ट्स हैं, उनकी बॉडी से भी जब विषैले तत्व तो बाहर निकलते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर एरियाज में या उन रॉक्स को क्या करते हैं, एसिडिक बना देते हैं, या उनमें से जो तत्व हैं, जो मिनरल्स हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं, और धीरे धीरे वो जो रॉक है वो हमारी टूटने फूटने लग जाती है।